दर्शकों नमस्कार। जैसा कि हम प्रतिदिन कुछ न कुछ आपको बताते रहते हैं, दिखाते रहते हैं, तो आज मैं दिखाता हूं कि त्रिपुरा से बीजेपी की नेत्री हैं और इनका नाम है पाताल कन्या जमातिया। ये बीजेपी में कार्य कर रही थी, अच्छे से कार्य कर रही थी। पता नहीं क्या हुआ, इधर कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में खबर आए, इंडिया टुडे के अनुसार मैं बता रहा हूं कि वहां जो खबर निकली, त्रिपुरा बीजेपी एक्सपेल्स पार्टीज वाइस प्रेसिडेंट पाताल कन्या जमातिया फॉर एंटी पार्टी एक्टिविटीज। अब एंटी पार्टी एक्टिविटीज क्या है, नहीं है, हाँ है, ये तो मैं पाताल कन्या जी से ही बात करके और आप लोगों को सुनवाऊंगा। लेकिन पाताल कन्या जी का कहना है कि अभी तक हमें ऑफिशियल लेटर नहीं मिला है बीजेपी से एक्सपेल का। तो आइए जानते हैं पाताल कन्या जमातिया जी से क्या इशू है। मैडम नमस्ते। और एक तारीख को जो जितना भी सारा पॉलिटिकल सिनेरियो को, त्रिपुरा का सिनेरियो को अक्रॉस द कंट्री जो मीडिया में निकल गया, 22 केरी हो इंडिया टुडे, नॉट ओनली इंडिया टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदूज, नॉर्थ ईस्ट टूडे, बिजनेस और आसम ट्रिब्यून, मैंने एक त्रिपुरा में तो है, लेकिन जो टॉप टॉप इन नेशनल जो चैनल है, नेशनल जो प्रिंट मीडिया, इसमें सब में वो न्यूज को प्रसार किया गया, पाताल कन्या को एक्सपेल किया गया एंटी एक्टिविटीज के लिए। तो मेरा सवाल ये है, अगर पाताल कन्या पार्टी एंटी एक्टिविटीज किया तो कौन सा पार्टी का एंटी एक्टिविटीज किया, इसको जवाब मुझे चाहिए। नंबर वन, अगर मुझे एक्सपेल ही किया गया सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, सब जगह में किया गया, मुझे एक्सपेल किया गया, तो आज तक मुझे मेरा हार्ट में क्यों ऑफिशियल लेटर इशू नहीं कर सका? क्या त्रिपुरा का बीजेपी इतना भी औकात नहीं है जो एक्सपेल कर सकती है और एक्सपेल लेटर दे नहीं सकता? और अगर त्रिपुरा बीजेपी मुझे एक्सपेल किया, यहाँ पे लिखा गया, देखा गया सोशल मीडिया में, मुझे पूछा गया प्रेसिडेंट का आदेश से, स्टेट प्रेसिडेंट का आदेश से मुझे एक्सपेल किया गया, क्या बीजेपी पार्टी क्या सिंगल पार्टी का बाटू से चलता है? दावा तो करते हैं बीजेपी सबसे बड़ा पार्टी, कई व्यक्ति विशेष प्राथमिकता नहीं है, संगठन ही सर्वश्रेष्ठ है। अगर संगठन सर्वश्रेष्ठ है तो बीजेपी पार्टी प्रेसिडेंट स्टेट का कैसे वो अकेला आदेश कर सकते हैं स्टेट वाइस प्रेसिडेंट को एक्सपेल करना? ये कहा का नियम नीति है और कहा का बीजेपी का नीति विधि है? और अगर किया भी गया, मैं मानती हूँ किया भी गया, तो कौन सा कमिटी में, यहाँ पे कोर कमिटी है, स्टेट कमिटी है, बीजेपी ऑफिस डायरेक्टर्स कमिटी है, स्टेट कमिटी है, सेंट्रल कमिटी है, कौन सा कमिटी में रेजोल्यूशन पास हुआ जो पाताल कन्या एंटी एक्टिविटीज किया इनको हटाया जाए? तो कौन सा कमिटी में रेजोल्यूशन पास हुआ, वो कमिटी में कौन कौन थे, किसका किसका सिग्नेटरी हुआ, ये मीटिंग रजिस्टर, मीटिंग मिनट कहाँ है, ये सब देखा पाएंगी बीजेपी त्रिपुरा। और अगर ये मीडिया इतना सारा मीडिया में आ रही है, सारा नेशनल मीडिया में, क्या सेंट्रल बीजेपी पता नहीं है, देखा नहीं है? तो मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, जिनको देखकर मैंने बीजेपी में ज्वाइन किया, और बीजेपी का जो कोर इशू है, जो इलीगल इंट्रोडर्स के खिलाफ में देश को सुरक्षा करने के लिए बीजेपी ने 2014 में इंडिया हम लोग सरकार लेके आया सब सपोर्ट करके, तो ये कोर इशू से क्या बीजेपी हट गए है क्या? तो अभी सवाल ये है, अगर मुझे एक्सपेल किया गया तो मुझे ऑफिशियली नोटिस मुझे भेजो, क्यों नहीं भेज पा रही है, औकात नहीं है नोटिस भेजने के लिए? मैंने कहना का मतलब ये है, अगर इतना बड़ा पार्टी, अगर डिसिप्लिन, अगर बड़ा नियम नीति है, तो एक्सपेल्शन का भी तो नियम नीति से ही होगा ना, तो ये नियम नीति मुझे मांग रही हो, मुझे एक्सपेल्शन ऑफिशियली नोटिस दो। और भी मेरा मांग है, जो पार्टी एंटी एक्टिविटीज कह रही हो, मैंने कौन सा पार्टी एंटी एक्टिविटीज किया, मुझे प्रूफ दो। और दूसरी बात है, मैंने बीजेपी में ज्वाइन करने की बात, आज तो सेल्फलेस मैंने सेक्रीफाइस कर रही है, मुझे बनाया गया मिनिस्टर ऑफ स्टेट रैंक,
इसका ऑनरियम भी आज तक सिद्ध नहीं हुआ, फिर भी मैंने 20 महीना तक बिना ऑनरियम में पब्लिक का सर्विस में लोगों का सर्विस स्ट्रीट का डेवलपमेंट के लिए सरकार को और भी डेवलप स्ट्रॉन्ग करने के लिए पार्टी के और भी आगे बढ़ने के लिए मैंने सेल्फलेस कंट्रीब्यूट सेक्रीफाइस कर रही है, इनको कह रही है पार्टी एंटी एक्टिविटीज। तो सवाल ये है जो देश सुरक्षा के लिए, जो पार्टी सुरक्षा के लिए, जो सरकार को और भी स्ट्रॉन्गली काम करने के लिए जो सेल्फलेस करती है, इसको अगर पार्टी एंटी एक्टिविटीज किया जाता तो जो एक्सपेल करना कर लो, इन लोग को तो हम एंटी नेशनल एक्टिविटीज कहना मजबूर है। क्योंकि सेंट्रल बीजेपी अगर कहती है कि ये स्टेट का मामला था, हम इसको नहीं मानते और हम आपको एक्सपेल नहीं कर रहे हैं, तो क्या बीजेपी के साथ रहेंगे या आप रिजाइन करेंगे? यस, ये बात बीजेपी को साथ, अगर सेंट्रल मुझे ये बात कहे तो सेंट्रल बीजेपी के साथ एक मैं इशू बात करेंगी। इसी तरह टीपरा का हर कट करके बीजेपी को चलाना वाला पार्टी कभी एग्जिस्टिंग नहीं होता, क्योंकि आज देख रही है वो अगर सेंट्रल बीजेपी ने ऐसा किया तो मैंने सेंट्रल बीजेपी को अपील करेंगी टीपरा में जो बीजेपी संगठन है, सरकार है, इसमें आदिवासी लोग को पूरी रेस्पेक्टफुली काम देना चाहिए। अगर काम नहीं दे सकता, रेस्पेक्टफुली इसको यूज नहीं कर सकता, अगर यहाँ पे आदिवासियों कह सकते हो, मैं ही अकेली नॉर्थ ईस्ट का आदिवासी महिला जो नारी शक्ति सम्मान की बात कहती है, वो एक मैं नारी शक्ति एंड बीजेपी के साथ खड़े हुए, इनको अपमानित करके सारा दुनिया में बीजेपी से हटा कर ये दिखावा, ये सब पार्टी में काम नहीं चलेगा। तो अगर बीजेपी मुझे कहा स्टेट पार्टी को मैं नहीं मानेगा, बोलो आ जाओ, कहना है एग्रीमेंट होना है, पार्टी को आदिवासी को कैसे उठाया जाता, सिर्फ फेस देखने के लिए पार्टी में एंट्री मत कराओ। आदिवासी का टैलेंट, आदिवासी का नॉलेज, आदिवासी का जो एक्सपीरियंस, वो भी तो देश का गठन में काम चाहिए ना। अगर बीजेपी का सेंट्रल कार्यालय अपने स्टेट ऑफिस के साथ जाता है और आपको एक्सपेल करता है, आपका अगला कदम क्या होगा? पहली क्षमा मांगना पड़ेगा, नंबर वन, जो मुझे एंटी एक्टिविटीज किया गया, मेरा पूरा टीम को जो हटाया गया, इसको सब सम्मान से सबको काम बैठाना पड़ेगा। और टीपरा में लॉन्ग टाइम हम लोग देखा है, आदिवासी का बात करता है, अगर टीपरा में, मैंने ये पहले मेरा मांग था, टीपरा में पॉलिटिकल पावर आदिवासी को क्यों दिया नहीं जाता? चीफ मिनिस्टर हर टाइम नॉन टीपरा सा, नॉन ट्राइबल क्यों होगा? हर टाइम प्रेसिडेंट नॉन टीपरा सा क्यों होगा? और हर टाइम टीपरा सा का जो जितने भी कुने कुने अभी रास्ता हो, पानी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, अभी तो हम लोग डेवलप नहीं कर पा रही है। डेवलप हो रहा है आगे से, लेकिन जितना होना चाहिए इतना तो हो नहीं पा रही है। तो ये सब मैं एक एग्रीमेंट करेंगी, और अगर सेंट्रल बीजेपी विथ रेस्पेक्टफुली जनजाति को पार्टी में काम करने दे और जनजाति का सर्वाइवल एग्जिस्टेंस के लिए यहाँ पे जनजाति का पॉलिटिकल राइट्स देने के लिए तैयार हो, और जितने भी इलीगल इंट्रोडर्स है हर दिन टीपरा में घुस बैठी हो, पेपर में आती है, ये मेरा बात नहीं है, टीपरा का न्यूज पेपर में आती है, जो हर दिन बांग्लादेशी पकड़ा गया, लेकिन कैबिनेट में कोई मिनिस्टर, इवन चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट, कोई पार्टी कुछ बोलने वाला नहीं है। आसाम में बांग्लादेशी का बात होता है, झारखंड में जाकर बांग्लादेश का बात होता है, लेकिन टीपरा में कोई बीजेपी नेता इलीगल इंट्रोडर्स के खिलाफ में बात करने वाला नहीं है। क्यों, क्या कमजोरी है? कुछ ना कुछ तो कमी है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो ये सब सुधारने के लिए मैंने बीजेपी में ज्वाइन किया। तो बीजेपी पार्टी अगर सेंट्रल ये सब देखभाल करने के लिए, काम करने के लिए अगर मुझे सुजोग दे, अपॉर्चुनिटी दे, तो मैं क्यों नहीं करेगा? मैं तो देश का साथ साथ चल के देश को उन्नति करने के लिए तो बीजेपी में आया, मैं बीजेपी से हटाने के लिए नहीं आया, बीजेपी से बाहर होने के लिए नहीं आया, लेकिन मैं जो काम कर रहे हैं, इसको हटाने का मतलब क्या है? मुझे काम करने नहीं दे रही है, अरे मुझे काम दो, मैं अपील कर रहे हैं मोदी जी को, अमित शाह जी को, मुझे काम दो, मुझे करने दो, मुझे पावर दो करने के लिए, क्यों नहीं दिया? मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाकर रखा है, आज तक मिनिस्टर ऑफ स्टेट का रैंक से जो मैं साइन करके फाइल भेजता हूँ, सीएम का पास बैठ जाता है, एक एक फाइल को 3 साल बाद रिमाइंडर लेटर देने के बाद भी फाइल वापस नहीं आते, तो मैं कैसे काम करे? इसका मतलब क्या, मैं पावर से काम कर पा रही हूँ?
इसलिए मैं कह रही हूँ अगर मुझे बीजेपी ने ये राज्य का उन्नति के लिए, देश का उन्नति के लिए और आदिवासी का सम्मान से काम कराने के लिए अगर मंजूर है तो आज ये काम मुझे दो, मैं क्यों बाहर हूंगा? मैं बाहर कर, मैं बीजेपी से एक्सपीरियंस मिलने के लिए क्या बीजेपी में ज्वाइन किया? और बीजेपी से मुझे अपमानित मिलने के लिए मैंने आया है क्या? लेकिन क्यों किया? तो एक ट्राइबल आदिवासी नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का साथ जो खड़ा है, लड़ाई किया है सुप्रीम कोर्ट में टीन टीन केस इलीगल इंट्रोड्यूस के खिलाफ में, जो लड़ना वाले ही पताल करना, इसको अगर सुरक्षा नहीं दे पाते तो देश और पूरा जनजाति और पूरा देश को कैसे सुरक्षा देगा? पताल करना कोई सुरक्षा नहीं दे पाते। थैंक यू। इलीगल मतलब दूसरा खा रहा है, इसलिए हम लोग जितना भी इधर का मूल वासी है या कोई भी जाति हो, लेकिन जो इधर का मूल वासी है वही उसी का ही हक मिलना चाहिए, वो हक को पकड़ने के लिए हम लोग इसी पार्टी को खुला है। इसमें युवाओं के लिए क्या रहेगा, महिलाओं के लिए क्या रहेगा? सबके लिए ब्रांच रहेगा, ये लेडीज की अलग, जेंट्स की अलग, जितना त्रिपुरा में बहुत कुछ है, कोई कमी नहीं है हम लोग का हाथ देने के लिए, कुछ करने के लिए। चुनाव लड़ेंगे, ये अभी शुरू हो गया। हम लोग जब अभी दिल्ली में आया हूँ, दिल्ली में आया हम लोग 15 नवंबर 2024 में हम लोग अटेंड किया कि उसमें साबित किया है कि ये इलेक्शन का ये रजिस्ट्रेशन किया है। क्या प्लान है, सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? सभी 60 सीटों पर विधानसभा के सब जगह में, इसके अलावा पंचायत चुनाव भी लड़ेंगे? हाँ, सब जगह में, जितना भी इलेक्शन चलेगा उसी इलेक्शन में चलेगा पूरा मूल बसी के लिए। ठीक है, तो त्रिपुरा जैसे बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, बहुत ज्यादा कॉमर्स नहीं है, तो जो आप पार्टी बनाएंगे, पार्टी में बहुत सारे खर्चा होता है, तो कहाँ से फंड्स कहाँ से लाएंगे? ये खर्चा तो अपना क्या बोलता है, अपना नागरिक, जो क्या बोलता है, अपना जनता। अभी भी चल रहा है हम लोग बिना पैसा का, बिना बैटन का हम लोग ऐसे ही चल रहा है। जैसा टीपीएफ मिस पटल पुण्य समतिया का नेतृत्व में सब कुछ चल रहा है, अभी तक तीन तीन केस है उसका, तो भी चला रहा है ना, तो उसी का जैसे भी चलते रहे। तो जो पार्टी का फंड होता है, क्या कैडर बेस होता है और ये घर घर जाके आप लोग फंड इकट्ठा करते हैं? वो तो कलेक्शन अपने अपना अपना दे देता है। जैसे अभी हम लोग 111 का अभी जो दिया हम लोग मेंबरशिप अभी रजिस्ट्रेशन के लिए मेंबरशिप तो और त्रिपुरा तक हो जाएगा, ये तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। क्या संदेश देना चाहेंगे? ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये त्रिपुरावासी के लिए ये सुविधा आ गया हो, कि ये मूल वासी के लिए, जो पूरा त्रिपुरा पार्टी के लिए, त्रिपुरावासी के लिए, पूरा इसमें जो गवर्नमेंट का, जैसे मतलब इंडिया का जो क्या बोलते हैं अपना आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक वो पूरा मिलेगा, हम लोग का साथ रहेगा। तो इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सभी आइए हम लोग का पार्टी में, सभी ज्वाइन करें, जितना भी जनता है, जितना भी अपना त्रिपुरा का नागरिक है, पूरा इसी में आ जाए। थैंक यू, नमस्कार सर।